गया में ईस क्राफ्ट मेले में सभी तरह की घरेलू उपयोग सामग्री उपलब्ध है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बच्चे अनुकूल सिन्हा, अनुप्रिया, तनुप्रिया, अमन कुमार, गुलशन कुमार, रोशन कुमार और साहिल कुमार द्वारा सामूहिक उद्घाटन किया गया। मेले के व्यवस्थापक राजेश कुमार, रोहित चौरसिया और संजीव गोड़की ने बताया कि इस मेले में हस्तशिल्प और हैंडलूम सामानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस मेले में 22 राज्यों के कुल 100 स्टॉल लगे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखने और खरीदने को भी मिल रही हैं। यह मेला 14 अगस्त 2022 तक चलेगा। क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया मेले में इस बार बच्चों के लिए प्रतिदिन रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका संचालन रोशन राज द्वारा किया जाएगा। बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम एवं मेले के आकर्षण को देखने शहर के एलाइड इंटरनेशनल स्कूल के सहनिदेशक सुजीत कुमार सिन्हा सहित गणमान्य लोग आश्चर्यचकित रहे। इस मेले का मुख्य आकर्षण बांस से बने हुए वस्तुओं के साथ साथ टेराकोटा जूट उत्पाद, मिथिला पेंटिंग, अप्लिक वर्क की साड़ी, राजस्थान जयपुर से आए हुए मार्बल के प्रोडक्ट्स, गुजरात का बंधेज सूट एवं साड़ी, राजकोट का आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुर साड़ी, डल चादर एवं लेनिन, बनारसी साड़ी, अप्लिक वर्क की साड़ी, भदोही का कारपेट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही छत के नीचे खरीदने के मौके मिलेंगे। इस मेले में आइटम हैंडीक्राफ्ट का आया है, सहारनपुर का फर्नीचर है और आसाम का बम्बू है और सिलीगुड़ी से भी लकड़ी का आइटम आया है, बांस उसका अनेकों प्रकार का है। भागलपुर का सिल्क का भी कपड़ा है, साड़ी उड़ी भी है। कोई घर को सजाने का सामान होता है जो कि आसानी से नहीं मिल पाता है शहर, जैसा कि आपको रोहित चौरसिया जी ने बताया कि 122 राज्य का यहाँ पे सामान लगे हुए, स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे चंदन का भी कई सामान है, आपका फर्नीचर्स भी बहुत सारे हैं, क्रॉकरी के भी सामान हैं, लेडीज़ का जो कॉस्मेटिक सामान होते हैं वो भी, ऐसी सी चीज़ें हैं जो आसानी से शहरों में नहीं मिलती है। घर का साजो सामान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आसानी से शहर में उपलब्ध नहीं होता है। इंडिया मेला हर साल लगता है सावन के महीने में, जो कि इस बार हम लोगों ने इस सावन महीना में आयोजन किया है। यह मेला का शुरुआत 2 दिन पहले ही होने वाला था, लेकिन बारिश के कारण काम थोड़ा विलंब हो गया, जिसके कारण शहरवासियों को 2 दिन डिले हम लोग प्रोग्राम दे पा रहे हैं और यह मेला करीब 14 अगस्त तक चलेगा। इस मेले में सर, क्राफ्ट ऑफ इंडिया मेले में आप देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष से करीब 22 राज्यों से हस्तशिल्प कुशल कारीगर अपने वस्तुओं का बिक्री सा प्रदर्शनी कर रहे हैं। दिखाइए आपको दिखा क्राफ्ट मेला, डिज्नीलैंड वाले जो हमारे चाचू हैं वही फिर से लेकर आए हैं और यहाँ एक से एक चीज़ें हैं जो आपके घर में भी हमारी शोभा बढ़ाएगी। सब लोग यहाँ आकर एक बार ज़रूर घूमें।